न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अगली खबर में हम बात करते हैं रीवा की। सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है जिसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। हालांकि रीवा जिले में आंशिक रूप से बेरोजगारों ने ज्ञापन सौंप कर विरोध प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, ऐसे मैदानों में जहां युवाओं के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है वहां पहुंचकर समझाइश दी जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार के इस तरह के विरोध प्रदर्शन ना करने की भी बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शन ना करने की अपील की है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार, जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग सुबह से लेके यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जहाँ बड़ी संख्या में जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, इसके बाद यहाँ CRS कॉलेज ग्राउंड पे, NCC ग्राउंड पर, इसके अलावा चौराटा के पास भी एक पिकनिक ग्राउंड है, वहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। इनके अलावा भी पूरे रीवा ज़िले में जगह जगह पर बच्चे कहीं सड़क पर, कहीं ग्राउंडों में, मैदानों में आपको दौड़ते हुए नज़र आ जाएंगे सुबह शाम। तो हमने पूरे ज़िले में सभी थाना प्रभारी, सभी SDP साहब लोगों को बता के रखा हुआ था कि आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्थाओं को ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवक को गुमराह ना कर सके और उसके एनर्जी का, उसकी ऊर्जा का दुरुपयोग ना कर सके और शासकीय संपत्ति को, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको नुकसान पहुँचाए। ऐसा करके उनको समझाई दी गई। लगातार हमारे SP कलेक्टर साहब भी भ्रमण करते रहे और बार बार मिलते रहे। एक दिन अभी पिछले 3 दिनों में हमारे SP साहब, कलेक्टर साहब भी करीब 3-4 बार जाके यूनिवर्सिटी ग्राउंड में भी बच्चों से मिले हैं, उनको समझाई दी। जैसे कि कल शाम को भी SP साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और हमारे SDM में स्वयं हमारे बहुत सारे अधिकारी गए थे ग्राउंड में और करीब 400-500 बच्चों को वहाँ इकट्ठा करके समझाई दी गई थी कि आप लोग अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे राष्ट्रीय क्षति भी हो और आपका भविष्य भी अंधकार में पड़ जाए। उसके बाद आज सुबह से 5 बजे से ये व्यवस्था भी लगाई गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर, साथ में सिरमौर चौराहे पर, कॉलेज चौक पर, दोनों बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, कलेक्ट्रेट में, सभी जगह पर अभी टोटल 24 घंटे मुस्तैद व्यवस्था लगी हुई है। इसके अलावा सभी देहात क्षेत्रों में भी सभी थाना प्रभारी मुस्तैद हैं। करीब नहीं होगा तो 50 से ऊपर मोबाइल पार्टियां देहात और शहर में मिलके चलाई जा रही हैं। शहर में करीब 20 के आसपास मोबाइल पार्टियां होंगी जो अभी लगातार मूवमेंट में हैं और करीब न होगा तो 200 के आसपास का फोर्स लगा होगा जो सब समझाइश भी दे रहा बच्चों को जहाँ मिल रहे हैं। सारे कोचिंग संस्थान वालों से भी लगातार बातचीत हुई। कल रात में भी मेरे और SDM के द्वारा उनकी बैठक ली गई थी पुलिस कंट्रोल रूम में और उनको आवश्यक समझाइश दी गई थी। पूरे ज़िले में अभी तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। युवाओं से अनुरोध है कि वो किसी भी ऐसी साजिश का शिकार ना हो, किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए जिससे उनके भविष्य को खतरा हो, नंबर 1। नंबर 2, किसी शासकीय संपत्ति को नुकसान हो, कभी भी कहीं कोई बात आती तो सीधे संपर्क करें प्रशासन के अधिकारियों से, चाहे वो राजस्व विभाग के हों, SDM साहब हों, कलेक्टर साहब हों या मुझसे, SP साहब से। सब खोल के रखा हुआ है, सारा ओपन कर रखा है चैनल कि बातचीत करें और किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करें। धन्यवाद।